फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्निकल एसरपुल यूट्यूब चैनल। आज जो चीज़ के बारे में बात करूंगा, आप चाहते हो अपना एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू एंड क्रोम ब्राउज़र इस दोनों ऐप को आप चाहते हो अपडेट कराना, तो कैसे करोगे? आप अपडेट नहीं करा पाते हो, अपना प्ले स्टोर के अंदर चले जाओ, कितना भी प्रयास कर लो अपडेट नहीं होता है। इसको मैं फिक्स कर दूंगा, सिर्फ वीडियो को एंड तक देखते रहना, उसके बाद सभी वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब इंटू 100 कर देना। मैं आप लोगों को फिक्स इंटू 100 करके दे दूंगा इस अपडेट को, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इधर से सिंपल सा आप लोगों को दिखा दूंगा समझाने के लिए। अपना प्ले स्टोर के अंदर चले जाता हूँ, आप वीडियो को देखने के बाद एंड में इजीली कर पाओगे। जाने के बाद इधर से आप लोगों को थोड़ा दिखा दूँ, मैं इधर से सर्च कर लेता हूँ एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू को। सर्च करने के बाद इधर से मैं अपडेट करना चाहूँगा, अपडेट नहीं होता है, तो आप लोगों को समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से क्रोम को भी मैं इधर से करना चाहता हूँ, लेकिन क्रोम भी अपडेट नहीं होता है। तो सिंपल से आप लोगों को क्या करना है, इधर से चले जाना है। जाने के बाद आप लोग सेटिंग्स के अंदर चले जाना है, फ़ोन की सेटिंग्स, समझ रहे हो ना मेरे बात। इधर से आप लोगों को सर्च बार मिल जाता है, सर्च के अंदर आप ऐप्स को ढूंढ लीजिए, या आप लोगों को सामने ही मिल सकता है ऐप्स की ऑप्शन। ऐप्स के अंदर जाने के बाद इधर से सिंपल सा ऐप्स को मैं इधर से सर्च कर लेता हूँ, अपना फ़ोन के सर्च करने से आ जाता है। सर्च करने के बाद इधर से मिल जाते हैं मैनेज ऐप्स, इसके ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इधर से आप लोगों को मिल जाता है गूगल प्ले स्टोर, तो मैं गूगल प्ले स्टोर के अंदर जाऊंगा। इधर से आप लोगों को सामने मिल जाएगा जिधर भी फोर्स स्टॉप एक ऑप्शन मिल जाता है, मेरा नीचे मिल रहा है क्रॉस करके देख सकते हो इधर से, इसके ऊपर मैं फोर्स स्टॉप कर दूंगा, ओके कर दूंगा। इधर से जो अपना जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर जो है फोर्स स्टॉप हो चुका है। तो इसकी बात क्या करना है, सिंपल से अपना प्ले स्टोर के अंदर चले जाना है। जैसे जाओगे इधर से आप लोगों को थोड़ा दिखा दूं तो समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगा। वो लेफ्ट साइड में थ्री लाइन मिलता है, इसके ऊपर सिंपल से एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आप लोगों को सामने इधर से मिल जाता है माई ऐप्स एंड गेम्स, इसके ऊपर सिंपल से एक बार क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इधर से आप लोगों को जितना भी ऐप्स है सारे के सारे आ जाएंगे, और अपना जो गूगल प्ले स्टोर ऊपर से एक बार नीचे करना आप लोगों को दिख जाएगा, गूगल प्ले स्टोर जो है अपडेट होने लग जाएंगे। कुछ टाइम देना, जस्ट नाउ नहीं हो जाता है, एक दो मिनट देना, उसके अंदर देखना अपना गूगल प्ले स्टोर जो अपडेट हो चुका है या आप इधर से क्या करना है, सिंपल सा इधर से अपडेट करना है उन दोनों ऐप्स को। सिंपल से ऐप्स दोनों ही इधर से मिल जाता है, उसके ऊपर प्रेस करो गूगल क्रोम के ऊपर और सिंपल सा इसको अपडेट करने लग जाओ। जैसे अपडेट करने लग जाओगे इसी तरीके से कुछ टाइम लेगा, पहले टाइम में इसको अपडेट होने दो। इस तरीके से अपडेट होने के लिए कुछ सेकंड या कुछ मिनट 30 सेकंड दे देना, अपडेट होना चालू होगा। देख सकते हो अपडेट जो है हो चुका है। आप बढ़ जाते हैं एंड्रॉयड सिस्टम के सेम उसी तरीके से जो चैट मिल जाता है अपडेट की, उसके अंदर चले आना है। इधर से गूगल को अपडेट होने दो, हो चुका है। फिर एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू की पारी है, इसके ऊपर प्रेस करो, इधर से अपडेट के ऊपर प्रेस कर दो। कुछ सेकंड लग जाएंगे आपके नेट के हिसाब से, का जो एंड्रॉइड सिस्टम वेब व्यू है वो अपडेट हो चुका है। वीडियो को कर देना एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना इसी तरीके से टिप्स पाने के लिए।